हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस ये जो एक्सरसाइज 7.2, इसके अंदर जो हमको प्रॉब्लम्स गिवेन है उनके रिजल्ट्स को हमको जस्टिफाई करना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जो कि है ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टाइसेस ए -2,0, बी 2,0 एंड सी 0,2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ विथ वर्टाइसेस डी -4,0, ई 4,0 एंड एफ 0,4। ओके, तो अगर इन पॉइंट को हम ध्यान से देखें तो ये -2,0 ये 2,0, तो ये दोनों ही पॉइंट कहाँ पर है? ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉइंट सी को देखें 0,2 है जो कि ऑन द वाई एक्सिस होगा। तो ये क्लियर है कि ये जो लेंथ होगी सी से ए की और सी से बी की, ये आपस में इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह ट्राइंगल डी ई एफ को अगर हम देखें तो -4,0 और 4,0 ये दोनों के दोनों ऑन द एक्स एक्सिस हैं और 0,4 जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस है। तो एफ से डी की डिस्टेंस और एफ से ई की डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होगी। तो ये दोनों ही ट्राइंगल जो जिसके वर्टेक्स हमको गिवन है वो वाले, वो दोनों के ही दोनों आइसोसेलस ट्राइंगल है। तो ये बात कन्फर्म है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल भी होंगे। ओके, इसको हम बाय ग्राफ समझें तो हमारा ट्राइंगल एबीसी कुछ इस तरह रहा और हमारा ट्राइंगल डी ई एफ कुछ इस तरह ही रहा, जो कि दोनों के दोनों आइसोसेलस ट्राइंगल है। ओके, और हमको इन दोनों आइसोसेलस ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करना है या जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो बाय ग्राफ तो हमको क्लियर है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, बट अगर हम इनको बाय मैथड भी ये बताना चाहें कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हमको ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पता है। अगर हमको किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करना है तो हमको प्रूफ करना होता है कि जो ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो जो ट्राइंगल ए बी सी है इसकी साइड ए सी, इसके करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी डी एफ, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी डी ई, और सी बी बी सी या सी बी की करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी ई एफ। राइट, तो इनकी साइड की लेंथ का रेशियो आपस में इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा आया तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। क्लियर है? तो देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड इन प्रोपोर्शन, रेशियो ऑफ ऑल थ्री पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो इनकी साइड के रेशियो को हमको इक्वल प्रूफ करना होगा। तो हम वन बाय वन ट्राइंगल्स की साइड की लेंथ कैलकुलेट कर लें। तो पहले हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में, तो पहले जो साइड है लेंथ ए बी की, अगर हम लेंथ देखें तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। बट ये दोनों जो पॉइंट है, क्योंकि ये ऑन द एक्स एक्सिस है, तो हम डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। तो ये 2+2, तो बी ए बी की लेंथ हो गई हमारी 2+2, 4। ओके, बी सी की लेंथ देखें तो बी सी की लेंथ जो होगी, बी के कॉर्डिनेट से 2,0 और सी के कॉर्डिनेट से 0,2। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं यहां पर तो डिफरेंस बिटवीन एप्सिसा का स्क्वायर, तो एप्सिसा यहाँ पर है 0 और 2, इन दोनों का डिफरेंस भी होगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, तो इसके ऑर्डिनेट्स भी हैं 0 और 2, इनका डिफरेंस हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर अगेन हो गया 4। तो 4+4 मिलकर हो गया √8, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। इज दैट क्लियर? इसी तरह हम ए सी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए सी की जो लेंथ होगी, क्योंकि देखिए दोनों के पॉइंट सेम ही हैं, बस ए पॉइंट का जो एप्सिसा है 2, वो डायरेक्शन चेंज है सिर्फ -2 है, तो उसकी वैल्यू भी यही आने वाली है। तो अंडर रूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एप्सिसा का स्क्वायर, तो 2 -0, 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसी तरह 2 -0 अगेन 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये भी रहा हमारा √8, और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो हमने ट्राइंगल ए बी सी की तीनों साइड की लेंथ यहाँ फाइंड आउट कर ली है। इसी तरह हम ट्राइंगल डी ई एफ की साइड की लेंथ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी ई की लेंथ हम देखें तो डी ई की लेंथ, क्योंकि ये दो पॉइंट, इसके जो पॉइंट है वो ऑन द एक्स एक्सिस है, तो हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, 4+4 मिलकर हो गया ये 8। तो डी ई की लेंथ हो गई हमारे पास 8, हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और बी सी की लेंथ के जो करस्पॉन्डिंग साइड थी वो है ई एफ, तो ई एफ की लेंथ हम देखें, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, डिफरेंस बिटवीन एप्सिसा का स्क्वायर, तो 0 -4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस ऑफ 0 -4 अगेन 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16+16 हो गया हमारा √32, और √32 को हम लिख सकते हैं
फोर रूट टू, इज इट क्लियर? अब जो साइड है हमारी ए सी, उसे करस्पॉन्डिंग साइड है डी ई, तो डी सॉरी डी एफ, तो डी एफ की भी हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी हो जाएगी 4 का स्क्वायर 16 प्लस ऑफ 16, 16 प्लस 16 हो गया 32, और 32 का स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 4 रूट 2। अब इनकी साइड के लेंथ का रेशियो हम देखें, करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ का रेशियो, तो हमको ए बी जो साइड है उससे करस्पॉन्डिंग साइड है हमारी, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड है हमारी डी ई, ओके, और जो साइड बी सी है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है हमारी ई एफ, और साइड लास्ट जो हमारी बची ए सी, इससे करस्पॉन्डिंग साइड है हमारी डी एफ। ठीक, इनके रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये वैल्यू पुट अप की हमने, ए बी की वैल्यू है 4 और डी ई की वैल्यू है हमारे पास 8 इक्वल टू बी सी की वैल्यू है हमारे पास 2√2 और ई एफ की वैल्यू है हमारे पास 4√2। इसी तरह ए सी की जो लेंथ है जो वैल्यू है वो है 2√2 और डी एफ की जो लेंथ है वो है 4√2। ठीक है, इसे सॉल्व किया, 4 1 4, 4 2 8, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। यहाँ पर रूट टू से रूट टू कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर भी रूट टू से रूट टू कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, तो जो लेंथ के रेशियो रहे 1:2 इक्वल टू 1:2 इक्वल टू 1:2, ओके, क्योंकि इनके रेशियो जो 3 पैर ऑफ लाइन्स हैं उनके वो इक्वल हैं, तो इसलिए जो गिवन दोनों ट्राइंगल है हमारे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ओके, क्लियर क्वेश्चन? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पॉइंट पी -4,2 लाए ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए -4,6 एंड बी -4,-6। ओके, अब हमको ये इसमें ये बताना है कि जो पॉइंट ए और बी है और इन दोनों को मिलाकर जो लाइन ड्रॉ होगी उस लाइन पे पॉइंट पी भी लाए करता है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर हमको पॉइंट देख के ही क्लियर है, पॉइंट ए और बी का जो एप्सिस है या एक्स वैल्यू जो है वो दोनों की सेम है। इसका मतलब ए बी को मिलाने वाली जो लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ओके, और साथ साथ हम ये देखें जो पॉइंट है जिसको हमको ये बताना है कि जो पॉइंट पी है वो ए बी पर है, उसका भी एक्स वैल्यू या ऑर्डिनेट सॉरी या एप्सिसा वो भी -4 है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये जो पॉइंट पी है वो ए बी पर ही है। हम क्वेश्चन रीड करके भी ये समझ सकते हैं, बस हमको ये जस्टिफाई करना है, हमको बताना है कि पॉइंट पी ए बी पर होगा। तो इसका हम बाय ग्राफ भी समझें, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह रहेगा, जो पॉइंट ए है हमारा उसे कोऑर्डिनेट हुए -4,6, पॉइंट बी है उसे कोऑर्डिनेट से हमारे पास -4,-6, दोनों के एप्सिस सेम है, तो कंफर्म ये जो लाइन थी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी जो कि अभी हमने देखा था। और पॉइंट पी को भी देखें तो इसे कोऑर्डिनेट से -4,-2 जो कि अगेन ऑन द ए बी ही है, क्योंकि इन तीनों के एप्सिस सेम है, तो हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो पॉइंट पी है ए बी पर ही होगा। क्लियर है? तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, कंडीशन ये ट्रू है, हम ये समझ गए हैं क्योंकि ये ट्रू कंडीशन है, और क्यों है ये भी हम बता देते हैं। वी ऑब्जर्व दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम इक्वल टू -4, सो द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ पी इज 2, लाई बिटवीन 6 एंड -6 ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, हेंस पी लाई बिटवीन ए एंड बी ऑन ए बी, राइट? तो बाय डायग्राम तो ये क्लियर हो गया कि जो पॉइंट पी है वो ए बी पे लाई करता है। ठीक है, और पॉइंट पी -4,2 विल लाई ऑन द लाइन ए बी इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज 0। अगर हम इन तीनों पॉइंट से एरिया कैलकुलेट करें तो वो आएगा 0, तो हम इससे भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो पॉइंट पी है वो ए बी पर है। बट हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ना निकाल के कॉलिनियर की ही कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर कोई भी तीन पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो दो जो एंडिंग पॉइंट है उनका टोटल सम, मतलब जो ए बी है उसकी टोटल लेंथ सॉरी लेंथ इक्वल होगी ए पी प्लस ऑफ पी बी के। अगर ये कंडीशन प्रूफ होती है तो ये कंफर्म है कि जो पॉइंट पी है वो लाइन ए बी पर ही है। तो हम इनकी इंडिविजुअल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम ए बी ही निकाल लें, ए बी की लेंथ क्या होगी। अब देखिए हमने यहाँ पर क्योंकि डायग्राम बना लिया है तो हमको जरूरत नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने की, हम डायरेक्ट भी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मगर फिर भी चाहे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो आप लगा लीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन
एब्सिसा का स्क्वायर, तो दोनों का एब्सिसा कितना है, -4 -4, और इनका डिफरेंस अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, ऑर्डिनेट्स को देखें तो इन दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो हमको पता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, अगर दोनों के साइन अपोजिट है तो हम इनको ऐड कर देते हैं, तो 6 + 6 हो जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12, और इसका हमको स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, तो बचा हमारे पास सिर्फ 12। ठीक है, अब हम एपी की लेंथ कैलकुलेट करें, तो एपी की लेंथ भी क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन एप्सिसा का स्क्वायर, तो दोनों का एप्सिसा सेम है तो या इनका डिफरेंस हो जाएगा 0, ऑर्डिनेट्स को देखिए तो सेम साइन होने पे हम सबट्रैक्ट करते हैं, या तो 6 - 2 करो या 2 - 6 करो, बोथ आर सेम, तो 6 - 2 किया तो बचा 4, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर से अगेन स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा हमारे पास 4। अब हम पी बी की लेंथ निकालते हैं, पी बी की लेंथ अंडर रूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एप्सिसा का स्क्वायर, एप्सिसा सेम है तो 0 हो जाएगा, ऑर्डिनेट्स को चेक करें दोनों के अपोजिट साइन है तो इसका मतलब ये दोनों को दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 6 + 2 हो गया 8, 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा यहाँ पर 8। तो यहाँ पर क्लियर है कि जो लेंथ हमारी ए बी है वो आ गई 12। ठीक है, और ये जो 12 है वो ए पी प्लस ऑफ पी बी के सम के इक्वल है, तो ये दोनों पॉइंट जो हुए, सॉरी ये तीनों जो पॉइंट हैं वो तीनों के तीनों पॉइंट कॉलिनियर होंगे। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से भी ये इजीली आंसर दे सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं, क्योंकि उस केस में जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट मस्ट है कि वो 0 ही आएगा। इज दैट क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पॉइंट 0, 5, 0, -9 एंड 3, 6 आर कॉलोनियर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कॉलोनियर की कंडीशन से प्रॉब्लम को सॉल्व की थी, अब इस क्वेश्चन को हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम नाम दे दें तो ये हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले को किस तरह याद रखें ये भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है इसको याद रखने के लिए। आपने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर हमने लिखा 1, 2, 3, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो 1, 2, 3। ठीक है, आप 1 यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इस डायग्राम को देख के हमको फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो कि होगा हाफ इंटू, ठीक है, जो बाहर वैल्यू जो आएंगी वो एक्स वैल्यूज आएंगी, और ब्रैकेट के अंदर जो होंगी वो वाई वैल्यू आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से, मतलब एक्स 1 से, तो यहां पर आया हमारे पास एक्स 1, तो अंदर क्या जाएगा, y2 - y3। ओके, अंदर गया हमारे पास y2 - y3 प्लस ऑफ, जब x2 बाहर होगा तो अंदर क्या होगा, x2 यहां बाहर है, अंदर होगा y3 - y1, तो ये हो गया हमारे पास y3 - y1। अब जब x3 बाहर होगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, x3 बाहर है तो अंदर जाएगा y1 - y2। तो इस तरह हम इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको हम मॉड ऑपरेटर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एरिया हुआ डिस्टेंस हुई ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब चलिए इन तीनों पॉइंट में से हमने पॉइंट इसको मान लिया, हमने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, 5 को हमने मान लिया, ये हमारे x1, y1 है। ठीक है, पॉइंट 0, 0, -9 को हमने मान लिया, ये हमारे x2, 0, y2 है, और जो पॉइंट लास्ट है वो 3, 6 इसको मान लिया हमने, ये x3, 0, y3 है। अब सिंपल इन पॉइंट की वैल्यू को हमको इस फॉर्मूले में पुट अप करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ, ठीक है, x1 क्या है हमारा 0, अंदर क्या है y2 - y3, तो y2 कितना है हमारे पास -9, -y3 - 6। क्लियर, प्लस ऑफ, अब बाहर आया हमारे पास यहाँ x2 जो कि है 0, अंदर आएगा y3 - y1, तो y3 की वैल्यू है हमारे पास 6 - y1 कितना है हमारे पास यहाँ पर 5, प्लस ऑफ x3 है हमारे पास 3, राइट, x3 जब बाहर है तो अंदर होगा y1 - y2, तो y1 है हमारे पास 5 -y2 है हमारे पास 9, तो -, ये हो जाएगा प्लस। ठीक, अब यहाँ पर हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि x1 और x2 यहाँ पे 0 है, तो डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ से क्या हो जाएगा 0, तो सिंपल हमको यही कैलकुलेट करना था। चलिए कोई बात नहीं,
अब ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन 2, यहां से रिजल्ट आया 0, यहां से भी रिजल्ट कितना आया 0। अब बचा हमारे पास ये, तो 3 इंटू 5 प्लस 9 हो गया हमारे पास यहाँ 14। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो वैल्यू है वो नॉन जीरो, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आने वाला है, यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया, 7 टाइम्स गया। ठीक है, तो बचा हमारे पास 3 इंटू 7, क्योंकि इसका कुछ एरिया आ गया है 21। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ट्राइंगल को जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट तीनों के तीनों कॉलिनियर नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर?